हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स थी उनको स्टडी किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था। आज हम उसके कुछ एक लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी जो उसको क्या कंसिडर, जितने भी एक्सपेरिमेंट अब तक किए गए वो ये कंसिडर करके किए गए थे कि जो रेडिएशंस हैं वो वेव नेचर की होती हैं, वेव नेचर की होती हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह थे, जो थ्योरी हमने अब तक एक्सप्लेन की, वो अकॉर्डिंग टू देयर वेव नेचर एक्सप्लेन की गई। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें भी थी जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सप्लेन सिर्फ तभी किया जा सकता था जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, उन्हें क्या कंसिडर किया जाए कि वो एक पार्टिकल नेचर की होती हैं। ओके, तो जब पार्टिकल नेचर कंसीडर करेंगे तभी हम उनकी इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते थे। तो इस बारे में डिस्कस करेंगे हम अपने इस वीडियो के अंदर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी वाइट लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। कैसी लाइट के बारे में? वाइट लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात आपको पता है, जो लाइट होती है उसके मेनली तीन जो प्रोसेस होती हैं वो शो करती हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट ट्रांसमिशन, सेकंड एब्जॉर्प्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन। तीन प्रोसेस कौन कौन सी हो गई? ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन। तो देखिए, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, तो यहां से जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट, वो इसके ऊपर आई, ओके, तो ये तो इंसिडेंट लाइट हो गई, इंसिडेंट लाइट। हमने यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बात की है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि जो ये एब्जॉर्ब, जो ये ऑब्जेक्ट है ये एब्जॉर्ब कर ले, जो लाइट इसके ऊपर, लाइट भी हमने डाली है इसके ऊपर, उसे क्या करे, ये एब्जॉर्ब कर ले। तो ऐसा नहीं है कि 100% एब्जॉर्ब कर ले, कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर तो ये रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो जितने अमाउंट में एब्जॉर्ब कर सकता था, जिस भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद क्या किया इसने, रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या किया? रिफ्लेक्ट बैक। जो भी चीजें हैं जिनका कलर हमें दिखाई देता है वो किस वजह से दिखाई देता है? इस रिफ्लेक्शन प्रोसेस की वजह से दिखाई देता है। देखो, मान लो मेरा जो भी स्किन कलर दिखाई दे रहा होगा आपको, या फिर जो भी कपड़ों का कलर दिखाई दे रहा होगा, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है। कोई लाइट बीम है, वो इंसिडेंट हुई, उसके बाद कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब हुई होगी और कुछ अमाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट बैक कर दी गई। व्हाइट लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई थी, लेकिन आपको कलर कौन सा दिखाई दे रहा है, जो भी पर्टिकुलर कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है उस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन है वो इमिट की गई है, रिफ्लेक्ट बैक की गई है। तो इस वजह से जो पर्टिकुलर कलर हमें दिखाई देता है वो रिफ्लेक्शन प्रोसेस की वजह से होता है। तो देखिए, इंसिडेंट लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरी, कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर इसने क्या किया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया होगा, ओके, और बाकी क्या कर दिया इसने, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस भी हो गई। अब रिफ्लेक्शन का हमें यहाँ पे पता चल गया कि मेन क्या होता है। रिफ्लेक्शन से जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं, जो भी पर्टिकुलर कलर हमें चीज़ों का दिखाई देता है, वो किस वजह से दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है। जिस भी वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, वो हमारी आइज को दिखाई देगा। एक होता है ट्रांसमिशन। अगर इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर गिरी और इसमें से ट्रांसमिट होके पास आउट हो गई, इस डायरेक्शन के अंदर आ गई, तो क्या हुई, ट्रांसमिशन हो गया उसका, ठीक है, ट्रांसमिशन हो गया, वो लाइट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो ये तीन मेन प्रोसेस होती है जो हमें दिखाई देती हैं। अब देखिए, आपने ये वाली चीज आपने बचपन के अंदर ही पढ़ी होगी, अभी भी आती ही है, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं आप, केमिस्ट्री के अंदर भी। देखिए, जो प्रिज्म है इसके ऊपर जैसे ही व्हाइट लाइट जो है, किसी भी लाइट सोर्स के थ्रू लाइट इंसिडेंट की जाती है, और वो क्या करती है, यहाँ से 7 कलर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, और हमें वो कलर दिखाई देते हैं। कौन से होते हैं? विब्योर जो है वो हमें दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है, जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर टोटल 7 कलर प्रेजेंट रहते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होती है वो, और जब हम देखते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एक, अगर किसी चीज़ के अंदर से कोई पर्टिकुलर कलर दिखाई देता है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग ही लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तभी हमें कलर शो होता है। तो इस तरीके से जो व्हाइट लाइट है, जो भी हमारी रेडिएशन प्रोसेस है, उसके अंदर ये पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहे होते हैं।
अब देखिए हमें जो यहाँ पे बात करनी है वो है ब्लैक बॉडी के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है कि जो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स होता है उसके अंदर जो लाइट की प्रोसेस होती है वो तीन तरीके की होती है। कौन कौन सी? ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। तीन प्रोसेस होती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है इसके अंदर जो प्रोसेस है वो कुछ अलग टाइप की होगी। देखिए सबसे पहली बात, जो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, जो ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो भी लाइट उनके ऊपर इंसिडेंट होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसी रीज़न की वजह से उनके अंदर से हमें कोई भी पर्टिकुलर कलर दिखाई नहीं देता, मतलब वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते लाइट को, और इस वजह से हमें क्या दिखाई देता है? ब्लैकनेस जो है वो दिखाई देता है। अगर कोई और कलर होता तो जिस भी की वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग, जिस भी कलर की वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग वो लाइट को इमिट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कलर दिखाई देगा। लेकिन ब्लैक क्या करता है? उसके ऊपर जो भी रेडिएशन गिरी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्प्शन की वजह से जो कलर है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो ब्लैक कलर का ही होता है। लेकिन यहाँ पे उस ब्लैक कलर से ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कोई लेना देना नहीं है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ये सिर्फ आपके एक टॉपिक का नाम है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, इस तरीके से आप कंसिडर कर लें इसे, ओके, इस तरीके से कंसिडर कर लें। अब देखिए कोई भी एक पर्टिकुलर जो लाइट सोर्स है उसके अंदर से जो लाइट एनर्जी है रेडिएशन वो आके इस ब्लैक बॉडी के ऊपर गिरेगी। ये अंदर से ब्लैक कार्बन ब्लैक जो है उससे कोटेड रहेगा, और इस तरीके से पूरा यहाँ से इसका जो सरफेस होता है वो ब्लैक रहता है, ओके, बिल्कुल जो अंदर से है ये बिल्कुल ब्लैक रहता है। लाइट का कोई भी सोर्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहता, सिर्फ ये एक आउटलेट छोड़ा है हमने। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही हम लाइट बीम इसके अंदर इंसिडेंट करवाते हैं ये रिफ्लेक्ट करेगा, मान लो रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई, फिर रिफ्लेक्ट किया यहाँ चली गई, एंड देन सो कंटिन्यूसली हम करते रहेंगे, और ये क्या करेगा, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होता रहेगा, एंड देन बैक जो ब्लैक बॉडी है उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करता रहेगा। तो इस तरीके से इसके जो चांसेस हैं यहाँ से बाहर आने के वो मिनिमम हो जाते हैं, ओके। तो ये क्या करता है, जो रिफ्लेक्ट तो कर रहा है बार बार, लेकिन जो ब्लैक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है वो क्या करेगा, इसमें से 100% जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके के रिफ्लेक्शन इसके अंदर होते रहेंगे लेकिन ये लाइट एनर्जी को इमिट नहीं कर पाएगा, रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हम उस कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग जो कलर होता है उसे शो नहीं कर सकते, देख नहीं पाते हैं, ओके। तो एक्चुअल में इसके अंदर इस तरीके की प्रोसेस हो रही है जो 100% जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है उसमें। अदरवाइज देखिए जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट है वो इंसिडेंट की जाती है तो उस टाइम पे इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज ए ब्लैक बॉडी, अगर हम सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं और वो एक ब्लैक बॉडी है तो विच इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर, तो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी हो सकता है और परफेक्ट रेडिएटर भी हो सकता है, यानी इमिट भी कर सकता है ऑफ एनर्जी, एनर्जी को एंड विच कैन इमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रिक्वेंसीज। और इसकी एक खासियत रहती है कि सारी की सारी जो फ्रिक्वेंसी की लाइट होती है उन्हें एब्जॉर्ब भी कर सकता है और इमिट भी कर सकता है। द रेडिएशन इमिटेड, और जो रेडिएशन जिस फ्रिक्वेंसी की जिस वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो इमिट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है जो लाइट हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे इंसिडेंट की, ओके, यहाँ पे हमने कोई लाइट इंसिडेंट कर दी, व्हाइट लाइट थी, तो ये क्या करेगा, इसमें से जो लाइट रिफ्लेक्ट या तो सारी की सारी एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ठीक है, सारी जो लाइट है कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर एब्जॉर्ब करेगा। अब जो लाइट है वो तो 7 जो कलर्स होते हैं उनसे मिलके बनी हुई होती है ना, जो विप्योर है, तो सबकी फ्रिक्वेंसी कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहती है, मान लो new 1, new 2, new 3, इस तरीके से सबकी फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट रहती है, तो ये कुछ ना कुछ अमाउंट में तो एब्जॉर्ब करेगा, बाकी वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ओके, और जो एनर्जी इमिट करेगा उसके अंदर भी डिफरेंट जो एनर्जी इसकी लाइट होती है, जो फ्रिक्वेंसी की लाइट होती है वो प्रेजेंट रहती है, new 1 है new 2 new 3, इस तरीके से। यानी सारी की सारी जो लाइट की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जितनी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट होती हैं उन सबको ये इमिट करता है यहाँ पर, लेकिन हमें मान लो कोई जो है वो ज़्यादा अमाउंट में
इमिट कर दी कोई कम अमाउंट के अंदर, कोई उससे भी कम अमाउंट के अंदर, हमें कलर कौन सा शो होता है, हमें कलर सिर्फ वही शो होता है जो यहाँ पे डोमिनेट कर जाता है इनमें से, जिस भी फ्रिक्वेंसी की लाइट डोमिनेट कर जाएगी वही कलर हमें शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, आप एक बार ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ मैं, वेवलेंथ और दूसरा है यहाँ पे मैंने लिया है इंटेंसिटी। दो चीज़ों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में। जो ग्राफ है वो किस तरीके का आता है, जो ग्राफ है हमारा वो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। यानी जो वेवलेंथ स्टार्टिंग के अंदर बहुत ही कम वेवलेंथ जो होती है वो उसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या रहेगी, बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़नी शुरू होगी तो इंटेंसिटी जो है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और एक ये जो पीक है ये ऐसी मिलेगी जहाँ पर जो वेवलेंथ है वो जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम रहेगी। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम रहती है, और इसी वजह से ये जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पर इसी वेवलेंथ की लाइट जो है वो हमें शो हो जाती है। उसके बाद फर्दर अगर वेवलेंथ बढ़ा भी रहे हैं तो इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी, यानी ये दोनों जो हैं एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग काम कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। जो वेवलेंथ और इंटेंसिटी है ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग काम कर रहे हैं, और इसी वजह से स्टार्टिंग के अंदर जिनकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिन भी रेडिएशंस की वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा लो रहेगी उनकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम रहती है। जैसे जैसे जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी वैसे वैसे जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है, यानी इतना ये जो अमाउंट है ये बहुत ही कम, यानी बहुत लो वेवलेंथ जो है उनकी इंटेंसिटी भी बहुत कम है, वेवलेंथ धीरे धीरे बढ़ी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसकी इंटेंसिटी जो है वो हाईएस्ट रहेगी और उसी को हम अपनी पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है वो कंसीडर करते हैं जो हमें शो होती है, ऑब्जर्व होती है। उसके बाद फर्दर हम कितनी भी वेवलेंथ को बढ़ा दें ये डिक्रीज होती चली जाएगी जो इंटेंसिटी है, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। तो देखिए आपने एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम यहाँ पर, एग्जाम्पल क्या है, आयरन देखा है आपने, लोहे के जो सामान होता है जब भी देखिए आपने अगर देखा हो कहीं कभी अपनी लाइफ में कि जब लोहे का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर लोहा जो आपने देखा होगा जैसे अपने घर वगैरह में अगर है तो आप देखना वो ब्लैकिश कलर का ऐसा दिखाई देता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, ओके। फिर जैसे जैसे हम उसे हीट करना शुरू करते हैं धीरे धीरे जो एनर्जी देनी हम शुरू कर रहे हैं उसे, वो एनर्जी क्या कर रहे हैं हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब जो आयरन है वो रेड हॉट कलर का दिखाई देगा, ओके। तो वो रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमें दिखाई देता है, हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो दिखाई देता है, यानी उस टाइम के ऊपर जो उसकी वेवलेंथ है उसने किस एनर्जी उसकी जो एनर्जी है वो उसने रेड कलर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब कर रखा है, उसको वो ट्रांसमिट कर रहा है, जिस वजह से हमें वो क्या दिखाई दे रहा है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है। अगर फर्दर हम उसे हीट करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे अपना जो कलर है वो चेंज करता रहता है, एक पर्टिकुलर कलर के ऊपर नहीं रुकेगा। उसके बाद जैसे ही हम हीटिंग इफेक्ट एनर्जी देना कम करते हैं तुरंत वो दोबारा से क्या होता है अपनी जो पहले की वाली पोजीशन होती है उसे गेन कर लेता है। तो इस तरीके से जो ब्लैक बॉडी है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के पे अलग अलग रिजल्ट शो करता है, और ये जो पूरी प्रोसेस है ये इस चीज़ को शो करती है। ये सिर्फ ऑब्जर्व कब हो सकती है, जब हम पार्टिकल इसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इसे क्या कंसिडर करें, पार्टिकल नेचर की कंसीडर करें, ओके, वेव नेचर कंसीडर ना की जाए। इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम प्लैंक थ्योरी जब पढ़ेंगे उस टाइम के ऊपर बताया जाएगा, अभी आप इतना ही करें।